भाई 10-12 किलोमीटर और रह गया। हाँ जी भाई, वेलकम बैक इन द व्लॉग। काफ़ी दिन में आ रहे हैं पर अब रेगुलर करूँगा व्लॉग, ठीक है। तो भाई मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम, अपनी गाड़ी ना ले आया मैं, अपनी खड़ी करी आया, और मेरे मामा की गाड़ी ले आया मैं, और आगे दिखा दूँगा व्लॉग में मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए, और मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया व्लॉग क्योंकि प्लान कुछ और था और एकदम ये बन गया, ठीक है। जा रहे हैं हम खाटू श्याम, ठीक है। ये फोटो वहां से खींचू, बेटा फोटो खींचू। फाइनली भाई पहुंच गए रिंगस, गाड़ी लगा दी होटल पे। चल भाई नहा धो गए तैयार, इब रिंगस तो है भाई 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। अब निशान उठाऊंगा और यहाँ तरिंगस तक पैदल, मतलब खाटू श्याम तक पैदल नंगे पैर। चलो लो भाई निशान लिया ठा और शुरू हो गए हैं। मेरा मामा ठा रहा है मेरी गल्ला, दिखाता हूँ आपने। लो भाई मेरा मामा है, आवे माँ 16 किलोमीटर पैदल चलेगा। ले भाई मेरा मामा छोटे वाला ले रहा, मैं बड़ा ले रहा हूँ। चल पड़े हैं भाई, भाई नंगे पाऊँ मैं, मामा चप्पल पहन रहे हैं, ठीक से। चलो आगे पहुँच के दिखाता हूँ वापस अपने नज़ारे। भाई बस 12 किलोमीटर और रह गया। भाई इब 8 किलोमीटर और रह रहा है। और भाई मैं बता दूं, दोनों पाया मैं ना ये मोटे मोटे छाले हो गए हैं, अरेडी में भी और आगे मतलब तलव्या में भी डंग नहीं उठ रही गति भी, पर हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। चल अल्लाह करे कति आराम आराम था कति प्यार प्यार था, मगा जी 3 घंटे का रास्ता उड़े 4 में हो जाएगा। गाने बारे छल्ले हो गए भाई, पाया मेरा ही रो पीट का भाई अड़े थी, पहुंच गया हूँ मैं। रात ने 3 बजे शुरू हुए थे हम, अरे 7 बज रहे हैं। और भाई मतलब 2-3 किलोमीटर रह गया था जब थोड़ी चीटिंग करी मैंने, बाकी करी है मैं थर तो बता दूंगा क्योंकि मेरी हालत हो गई थी बहुत खराब। थर तो पाँ दिखाऊंगा, ये मोटे मोटे छाले हो रहे, खड़ा भी ना आ जाता। चलो भाई मंदिर में चलते हैं। तो भाई रह रहे हैं भाई किलोमीटर का और मंदिर चल रहे हैं। फाइनली भाई अंदर पहुंच गए हैं, और भीड़ भी गनमाच रहा है, और ऊपर तो चल नहीं जा रहा, मेरे तो इतने फोले हो रहे पा मैं तो मैं दिखाऊं भीड़। देख लो भाई भीड़। लो भाई 3 बजे रात के शुरू हुआ था संघर्ष, और अब फाइनली दर्शन होने जा रहे हैं। 9 बज चुके हैं और मेरी बैंड बज चुकी है, वो मैं भी दर्शन करने के बाद आप सबको बताऊंगा और दिखाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं। भाई भीड़ देख लो भाई, बढ़िया दर्शन हो गए एक नंबर के।
जहाँ कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ न्यूज नहीं किया है। हरि मंदिर के बाहर आने के मार्केट है, आने के बाद कपड़े वपड़े ले लो भाई राजस्थानी स्टाइल में। हम भी देखते हैं कुछ करेंगे शॉपिंग। ले भाई मंदिर में दर्शन करके आ गए। मामा अरे ये बस तो वहीं जा रही है, जहाँ जाना है क्या रिगल्स से? रिगल्स से भाई हमारी गाड़ी खड़ी है रिंगस होटल के बाहर, तो हम वहाँ जा रहे हैं बस में। खाटू से हम तो पैदल आए थे, बस में जाऊंगे। कहाँ जा रही मामा बताओ ना। रिगल रिगल हाँ भाई हाँ जी भाई। खाटू शाम तक नहीं निकले, आप तो बताए थे रिंगस गाड़ी खड़ी थी होटल पे, गाड़ी ठा ली थी और हम निकल लिए थे घर की कैड। इब रुक के खाना खाने थे, और मतलब ना हाल दिखाऊं पा का, इतने तो काटे बढ़ रहे हैं और भाई छाले बुंडाल हो रहा है कति। देख दिखाता हूँ तुमने, देखो भाई तुम पा का हाल, ये छाले देखो, ये रे ये देखो, ये रे बुंडाल हो रहा है। पर लपा दिखा दूं तो तुम रो पड़ोगे। देखो काला हो गया छाला कति, अरे काटे बढ़ रहे हैं भाई। भाई बहुत बुंडाल हो गया था, पर कोई ना, इतना तो चलता है। सच्चे भगत हम भी ठीक है, जो करेंगे दिल तो करेंगे। हाँ मैं तार बताऊं था कि मैं मतलब वहां तक रिंगस तो चल रहा था निशान लेकर नंगे पैर, तमकू था मैंने थोड़ी चीटिंग कर ली थी। के चीटिंग करी थी भाई, मैं तार बताऊं मुश्किल तय 1.5-2 किलोमीटर रह गया था भाई। उस टाइम थी मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मतलब कि 2 दिन तो मैं सोया भी ना था कुछ तैयार चीज। और एक और थोड़ी दिक्कत है बाकी बताऊं, और बाकी भाई पैर मैंने को मैं खड़ा हूँ था ना कुर्सी पे बैठ गया था, और खड़ा हूँ था ना खड़ा भी ना हो जाओ, इतना गंदा दर्द होता बहुत गना। तो लास्ट ऑप्शन ये बच्चा कि मतलब कह तेन सोचो, फिर गाड़ी में लेकर जा रहे थे कि गाड़ी में बैठ लेता। एक बार मन मनु आ गई कि ना जाता मैं आगे ना, उल्टा जाऊंगा और निशान मतलब मामा दे दो, मामा चढ़ा देंगे। फिर मैंने करड़ा जी करा, मैं कहा यार आ रहा हूँ तो जाऊंगा जरूर ठीक है। इतम बाबा ने मतलब ये लगा लो भाई आध घंटा है ना रोड पर खड़े रहे, कोई भी ऑटो टेम्पो कुछ नहीं मिला, कुछ भी मतलब रोकी नहीं किसी ने। आखिरी में मन में मतलब जी करड़ा कर लिया, मैं कहा बाबा कह तो देख ले तू सारा ला दे, इतनी पास आ लिया हूँ ना ही बड़े तो उल्टा जाऊंगा मैं कती मरण, मतलब कहूँ ना अखा मत आंसू टप टप पड़े थे, इतना दर्द होता पाया मैं भी शरीर में भी खड़ा भी ना हो जाता था मेरे पे। एक कदम भाई फिर वो मतलब लिफ्ट मान लो तुम कुछ भी मान लो, सीधी गेट दौड़ जाकर लिफ्ट रुकी अपनी, पहुंच गया बढ़िया दर्शन करे। हाँ वहां जाकर मतलब एक परिक्रमा सी होगी भाई, बहुत घूमकाना पड़ा वहां जाकर, चल आखिरी कंट्रोल करा फिर तक एंड तक कंट्रोल करा कि बस और थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर। दर्शन करके जैसे ही लिकड़ा फिर तो सारा दर्द वसूल हो गया था, कोई दिक्कत ना है। फिर तेनू हो गया था कि जो है ठीक है तो हो लिया जो हो लिया। फिर भाई वहां दर्शन करके हम निकल लिए थे, खाना खाने दी रुके हैं, खाना खा के फिर सीधे मम्मा के वहां, तो फिर मैं गाड़ी उठाऊंगा और फिर घर में।